हेलो गाइस, वेलकम बैक अगेन। तो आज की वीडियो होने वाली है बहुत ही इन्फॉर्मेटिव, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स की क्वेरी होती है कि जो 20 आवर्स उनको काम करने के लिए मिलता है उनमें वो सिर्फ अपना सर्वाइवल ही चला पाते हैं। उनको फीसिस भी भरनी होती है और कुछ पैसे घर भी वापस भेजने होते हैं, तो वो उसी हिसाब से एडजस्ट नहीं कर पाते। तो मैं आज आपको कुछ ऐसे वेज बताता हूँ जिसके थ्रू आप एक्स्ट्रा इनकम जनरेट कर सकते हैं, और वो बहुत इजी वे हैं। अगर आप थोड़ा सा भी उन पे काम करेंगे तो आपके लिए वर्कआउट डेफिनेटली करेंगे, क्योंकि मैंने खुद करे हैं, तो मेरे लिए भी करे हैं, तो आपके लिए भी डेफिनेटली करेंगे। उसके लिए आपको थोड़ा सा एफर्ट खुद ही करना पड़ेगा, तो आपको पैसा कुछ भी नहीं लगाना है, जस्ट एफर्ट करना है। अगर आप इतना कर सकते हैं तो आप आराम से अपना सर्वाइवल भी निकाल सकते हैं और एक्स्ट्रा इनकम भी जनरेट कर सकते हैं, जिसके थ्रू आप अपनी फीस भी भर पाएंगे। तो चलिए वीडियो करते हैं शुरू। तो फर्स्ट वे है असाइनमेंट राइटिंग। अगर आप असाइनमेंट राइटिंग का खुद सीख सकते हैं या किसी के साथ टाई अप कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे राइटर हैं जो जैसे कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और किसी भी कंट्री के असाइनमेंट बनाते हैं, तो वहाँ पे जो स्टूडेंट्स होते हैं वो 80-90% स्टूडेंट्स जो हैं वो खुद ही असाइनमेंट राइटिंग नहीं करते हैं। ये आपको भी पता है, आप लोगों ने कितनी असाइनमेंट राइट करी हैं, और डेफिनेटली एक सेमेस्टर में आपको 5 से 6 असाइनमेंट बनवानी होती है। तो अगर आप अच्छे से असाइनमेंट राइटिंग खुद सीख लें या किसी राइटर के साथ टाई अप कर लें, तो वो आपको कमीशन देते हैं एवरी असाइनमेंट के ऊपर। तो आपको थोड़ा सा वर्क ये करना है, आपको अपने आप को रिप्रेजेंट करना है स्टूडेंट्स के सामने कि आप असाइनमेंट राइट खुद करते हो, या आप किसी के साथ टाई अप करके उसके थ्रू बात करवा सकते हैं कि मैं आपको स्टूडेंट दूंगा, आप उसके हिसाब से कमीशन मुझे दे दीजिए। तो मैंने ऐसा ही करके अपनी असाइनमेंट राइटिंग का काम कंप्लीट किया था। मैंने खुद एक भी पैसा पे नहीं किया था अपने असाइनमेंट के लिए, और उल्टा मुझे इनकम आई थी उसके थ्रू। तो सेकंड जो वे है वो है आपका वीज़ास का। तो आप किसी भी कंट्री में रह रहे हो, जैसे कनाडा हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया या यूके हो गया। अभी मैं यूके का बताऊं तो यूके के सराउंडिंग में शेंजन रीजन लगता है, टर्की लगता है, तो ये कुछ प्लेसेस हैं घूमने के जो बहुत चीप हैं जब आप यूके से ट्रैवल करना चाहते हो। बट यहाँ के लिए आपको शेंजन वीज़ा या टर्की के लिए ई वीज़ा चाहिए होता है, उसके लिए कोई भी सीखना नहीं चाहता है। अगर आप वो काम सीख लें कि कैसे अप्लाई करते हैं, वो बहुत ही सिंपल प्रोसेस है सीखने का। आप ऑनलाइन भी सीख सकते हैं या लाइक यूट्यूब से, या खुद भी रिसर्च करके सीख सकते हैं। अगर आप उस काम को सीख लेते हैं तो आपको बहुत सारी इनकम हो सकती है, एक्स्ट्रा इनकम जो आप कह सकते हो। अगर आप एक वीज़ा भी लगाते हैं तो उसके हिसाब से आप चार्ज कर सकते हो जिसको भी करना हो। तो आप नहीं खुद भी आता है तो आप किसी के साथ टाई अप भी कर सकते हैं। तो मैंने खुद ये काम भी किया है, तो इसमें भी बहुत अच्छा पैसा आपको बच जाता है, तो आप ये काम भी ट्राई कर सकते हैं। तो थर्ड काम है वो है फूड का। अगर आप खुद कुकिंग अच्छी कर सकते हो, ये ऑब्वियसली लड़कियों के लिए सबसे अच्छा है, जो लड़कियां खुद खाना बना सकती हैं। मैंने अब तक 3-4 घर में मैं रह चुका हूं, तो मैंने हर जगह देखे हैं 3 से 4 लोग ऐसे होते हैं जो टिफ़िन लगवाते हैं। अगर आप उनके टिफ़िन बनाते हो खुद ही, जैसे आपको खुद का भी खाना बनाना है ही है, अगर आप 3 या 4 लोगों का खाना बना दो अलग, उन होम ओनर से आप बात कर सकते हो कि मैं आपको जो भी गैस का बिल है उसमें 30-40 जो भी पाउंड होता है या डॉलर होता है, मैं आपको एक्स्ट्रा दे दूंगी, आप मुझे गैस यूज़ करने दो, तो इजिली मान जाते हैं। और आप अगर उन 4 लोगों का खाना भी बनाते हो, अगर मैं यूके की बात करूँ तो 150 पाउंड चार्ज करते हैं एक टिफ़न के। तो अगर आप 4 टिफ़िन भी बना रहे हो तो आप 150 के हिसाब से 600 पाउंड आराम से कमा सकते हो। उसमें से आपका 150 पाउंड में ग्रोसरी आराम से आ जाएगा 4 लोगों का, आप अच्छे से खाना बना सकते हो। और आपको अपने साथ ही बनाना है, कोई एक्स्ट्रा टाइम नहीं चाहिए उसके लिए, आप उनको बोल सकते हो तो वो आराम से मान जाते हैं, क्योंकि बाहर के टिफ़िन की क्वालिटी अच्छी नहीं होती है। और आप अगर 50 पाउंड या 100 पाउंड भी गैस का दे देते हैं होम ओनर को, और आप 150 पाउंड उसके ऊपर खर्च कर रहे हो जो ग्रोसरी है, उसके अलावा भी आपके पास बहुत सारे एक्स्ट्रा पैसे बच सकते हैं, जिसमें आप अपना रेंट निकाल सकते हो, ट्रैवल निकाल सकते हो। तो और भी बहुत सारे वेज हैं एक्स्ट्रा इनकम जनरेट करने का, वो हर कंट्री में वेरी करते हैं। आपको अपने आसपास देखना होगा, थोड़ा सा एक्टिवली सर्च करना होगा कि वो कौन से वेज हैं जिनके थ्रू आप एक्स्ट्रा इनकम जनरेट कर सकते हैं। तो ये अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो शेयर, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।